आप अपने आप को रणमुरीदी पे कौन से लेवल पर देखते हैं? जो 5 का नंबर है ना, वो कहीं नहीं आ रहा, ना घर में, ना गाड़ी में, ना बच्चों में, ना हमारी शादी में, तो 5 वाला तो सीन है ही नहीं। आप यहाँ से जूता उतारेंगे और मार देंगे कि मैं तुम्हें नौजवान नहीं लगता। तो ऐसे लोगों को कुछ नहीं कहा जाता, क्योंकि अगर वो ये पूरा बुरखा पहन के भी मेरे साथ वॉक कर रही होती तो फिर भी कमेंट करना था कि मौलवी बड़ा ही जालिम इंसान है, बीवी को दबा मारा है इसने। डेली न्यू की तमाम वीडियोस देखने के लिए डेली न्यू के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। नाज़रीन, डेली न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कवल आफ्ताब। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसे जोड़े से मिलवाने जा रही हूं जिनकी जितनी तारीफें की जाए उतनी कम है। कहते हैं ना कि जोड़े आसमान पर बनते हैं, तो वो जोड़ा वाकई ही आसमान पर बना है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर काफ़ी फेमस रह चुका है। काफ़ी लोग कहते हैं माशाल्लाह और काफ़ी लोग कहते हैं ये क्या हो गया। तो मैं आमिर साहब और उनकी मिसेज राबिया की बात कर रही हूँ, तो आज मैं उनके घर के बाहर मौजूद हूँ। अभी मैं उनके घर चलती हूँ, उनके लाइफस्टाइल के बारे में जानती हूँ और साथ ही साथ आपको बताती हूँ कि वो किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो चले चलते हैं। हसीन और नौजवान कपल मेरे साथ बैठा हुआ है, नया नवेला, तो इनकी फीलिंग्स जानती हूँ कि जब कोई इन्हें ये कहता है तो इन्हें कैसा लगता है। तो राबिया, कैसा लगता है आपको जब कोई आपको कहता है कि माशाल्लाह नौजवान कपल? अच्छा लगता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तंजिया नहीं लगता? नहीं, तंजिया नहीं लगता है, क्योंकि वो तो कहने वाले की सोच है, और अगर आप किसी भी चीज़ को पॉजिटिव लेंगे तो आई गेस उसका पॉजिटिव असर ही पड़ेगा। पॉजिटिव सर, आपको कैसा लगता है? आपके चेहरे पे जैसे स्माइल है, मुझे लग रहा है कि आप यहाँ से जूता उतारेंगे और मार देंगे कि मैं तुम्हें नौजवान नहीं लगता। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं, जूता उतारेंगे और नौजवान ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कहने वाले जो मर्जी कहते रहे, मियाँ बीवी का तो मामला ही होता है कि जब इकट्ठे हो जाते हैं एवरेज एज चलती है, हम लोगों की एवरेज एज चलेगी ऑब्वियसली, तो मेरी एज नहीं चलेगी। तो वैसे लड़कियों को बड़ा मसला होता है अगर उन्हें कहा जाए कि तुम्हारी उम्र ज़्यादा है, तो लड़कियों को हमेशा थोड़ा सा मसला होता है कि मेरी उम्र ज़्यादा क्यों बताई जा रही है। तो अब आप जब बताती हैं, इतने इंटरव्यूज दे चुकी हैं, अब आप बताती हैं कि मेरी उम्र 30 साल है, तो मसला तो नहीं होता? नहीं, मुझे कोई मसला नहीं होता, और मेरा ख्याल है कि अपनी एज जो छुपानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी एज को मेंटेन करेंगे तो वो अच्छी बात है, छुपाना अच्छी बात नहीं है। मेंटेन किन के लिए करिए? इनके लिए ऑब्वियसली, औरत हर काम जो है बीवी बंदे के लिए करती है, फर्स्ट प्रायोरिटी तो हस्बैंड ही होता है, तो ऑब्वियसली उनका सब काम मेरे लिए ही होगा। आपकी खुशफहमी भी हो सकती है या गलत फहमी भी हो सकती है, मुझे ये बताएं। ये देखिए ना, क्योंकि हमारी शादी को माशाल्लाह 10 साल हो गए और 4 बच्चे हमारे हुए, जिसमें 10 साल जी माशाल्लाह 10 साल हो गए और 4 बच्चे हैं हमारे, तो मैंने खुद को ऐसे मेंटेन रखा है। मीडिया के सामने तो हम अभी आए हैं 2-3 महीने से, 10 साल तो मैं इनके लिए कर रही थी ना, तो मतलब 10 साल जो इनके लिए किया अभी तक उन्हीं के लिए चल रहा है। अल्लाह ताला माफ़ करे, हम कैसे नहीं है कि किसी के लिए करेंगे। क्या बात है, क्या बात है, गुस्सा कर गई इन्होंने मुझे मार देना है इंटरव्यू के बाद। माजरत माजरत, उन्होंने कहा है कि माशाल्लाह 10 साल हो गए हैं, और ये भी इन्होंने मुझे इंटरव्यू से पहले पता चला कि 10 साल आपकी शादी को हो चुके हैं, लेकिन जो 3 बीवियाँ आपने पहले छोड़ी हैं, वो किस उम्र में, उनके साथ किस उम्र में शादी आपने की थी? जी बिल्कुल, अर्ली स्टार्ट लिया था मैंने जिंदगी का। कितनी उम्र में पहली शादी आपकी, किस सन में हुई, क्या उम्र थी आपकी तब? पहली शादी मेरी हुई थी गालिबन 1995-96 में, तो तब मेरी एज कितनी होगी, 25 साल, तो इतना भी अर्ली नहीं था, लेकिन स्टिल वाज गुड। सो 25 साल की पहली वो शादी मेरी रही है, कोई 3-4 साल रही है। फिर दूसरी शादी मैंने की, तो आई गेस दूसरी मैं 30-32 का होऊंगा, वो मेरी शादी 1 साल रही है, 1.5 साल रही है। फिर तीसरी शादी मेरी आई गेस मैंने की होगी 35-36 में, तो वो 1-2 साल रही है। 2 साल रह गया। चौका कब मारा आपने? चौका मैं मारा एट 40। क्या बात है, मतलब 40 साल की उम्र में उन्होंने चौका मारा। देखे नंबर मिलता जुलता है, 40 और 4 चौथी। अच्छा, कोई 4 बच्चे भी माशाल्लाह, माशाल्लाह ये चौकों पे काम चल रहा है। 40 साल की उम्र में चौथी शादी, 4 बच्चे जी, ऐसे ऐसे ही हमारे घर का और गाड़ी का नंबर भी 4-4।
4-4, क्या बात है, 4-4. अच्छा, इसके अलावा अभी कोई कोई इरादा है वैसे? आपके जो 5 का नंबर है ना, वो कहीं नहीं आ रहा, ना घर में, ना गाड़ी में, ना बच्चों में, ना हमारी शादी में, तो 5 वाला तो सीन है ही नहीं. देखिए यहाँ पे भी बीवी ने, वो कहते हैं ना, कमांड रखी हुई है अपनी. बीवी ने बंदे को नहीं बोलने दिया, बंदा जज्बाती था, वो कुछ बोलना चाह रहा था. बीवी ने पहले कहा, देखिए वो 5 आता नहीं. आमिर साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ. जी जी, फरमाएं, बोले. कोई माजरत के साथ एक सवाल पूछ. जी जी, पूछ लें, कैसी बात. कंफ्यूज करते हैं, सवाल पाए बोंगा जाए पर कंफ्यूज कर देंगे निकले. अच्छा, आप अपने आप को रणमुरीदी पे कौन से लेवल पर देखते हैं? देखिए, रणमुरीदी का पहले भी बता चुका हूँ मतलब क्या होता है. रणमुरीदी का मतलब होता है कि एक मुरीद है और दूसरा मुर्शद है, राइट? तो मुर्शद का मुरीद जो है कभी छोड़ता नहीं है. तो मैं 3 बीवियां छोड़ चुका हूँ, तो जो बंदा मुर्शद को छोड़ गया है वो कैसे मुरीद हो सकता है? क्या बात है, क्या टेक्निकली इन्होंने जवाब दिया जो आपकी और मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आया. तो आप मुझे लेवल आपने बताना कि आप कौन से, या आप अपने आप को कहाँ पर देखते हैं? आप अपने आप को 100 में से कितने परसेंट पे देखते हैं कि मैं इतनी पे इतनी वीडियोस आपने बनाई हैं, कमेंट्स में आपको सबसे अच्छा कमेंट कौन सा लगा है? पहले राबिया आप बताएंगी, और सबसे बुरा कौन सा लगा है? सबसे अच्छा तो ये कि लोगों ने कहा कि मौलवी को तो जन्नत में हूर मिल गई. तो देखे ना, मुझे हूर से कंपेयर कर रहे हैं, तो कौन सी लड़की खुश नहीं होगी अगर उसे हूर. देखिए, लड़कियों का मसला यही है. देखिए, उन्होंने अपनी हूर वाली बात की है. उन्होंने ये नहीं कहा मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, मुझे ये मिल गया, मुझे वो मिल गया. उन्होंने कहा है कि मौलवी को जन्नत में गया, दुनिया में हूर मिल गया. वाह जी वाह. और सबसे बुरा कमेंट? सबसे बुरा तो ऐसा कोई खास नहीं है, बस वो कॉमेडी थे अंदर कुछ. जैसे कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि काश हमारे बुक अब स्कूल होता, काश मैं भी मौलवी होता. और प्रपोज किसने किया? इन्होंने पहले इजहार किया या आपने किया? ऑब्वियसली मैंने ही प्रपोज किया. ये तो काफ़ी शायद थी, अभी भी थोड़ी बहुत शायद, थोड़ी कम है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा शायद थी ऑब्वियसली. सब लोग, क्योंकि सबको पता है कि माशाल्लाह ये 30 साल की हैं, ये 50 साल की हैं, ये एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं. देखें, ये मौलवी साहब हैं और ये इनकी साहिबा हैं. तो सब लोग देखना चाहते हैं कि आपने आज से 10 साल पहले किस तरह एक दूसरे को प्रपोज किया था. तो थोड़ा सा हो जाए, थोड़ा सा बता. वैलेंटाइन डे था तो मैं तो वैलेंटाइन मनाता नहीं हूँ, लेकिन मुझे इन्होंने बताया कि एक जो है ना, कोई किसी ने इनको ना फूल दिए हैं. तो ये इन्होंने कहा फूल दिए मुझे, एक्सेप्ट नहीं करने, मैंने फेंकने हैं बाहर बेसिकली ना. तो किसी ने दिए, आई डोंट लाइक इट. तो फिर मैंने कहा था, मगर इसने बोला कि आप मेरे फूल क्यों नहीं देते. मतलब कहीं पे निकाह है, कहीं पे निशाना, और निशाना सही लगा. तो वो उन्होंने कहा प्रपोज, तो मैंने कहा हाँ ऑब्वियसली मैं भी आपको फूल दे सकता हूँ, आप मेरे पसंद भी हो. तो जब मैंने ये कहा आप पसंद हो, तो उन्होंने बोला कि फिर आप ऐसा करें मेरे घर वालों से बात करें, सो वी कैन मूव फॉरवर्ड. तो ये एक थोड़ा सा मुझे याद आया. घर वालों ने राबिया, क्योंकि मतलब जो माँ बाप होते हैं ना, वो बड़े संजीदा होते हैं. वो कहते हैं कि हमारी बेटी जैसी मर्जी है, उन्हें कोई हूर मिले, हूर परा मिले, लड़का कोई मिले. तो आपके घर वालों ने कहा नहीं कि मौलवी साहब लब लेता है, मुंडा नहीं लभ्या, 20 साल बड़ा है? क्योंकि ये तब हूर परे ही थे, क्योंकि इनकी दाढ़ी नहीं थी. क्या बात है कि हूर परे थे, इनकी दाढ़ी नहीं थी. इनकी दाढ़ी नहीं थी, दाढ़ी तो उन्होंने रखी जब मेरी बेटी पैदा हुई. तो फिर उन्होंने, अच्छा माशाल्लाह, तो उससे पहले इनकी दाढ़ी नहीं थी. ड्रेसिंग भी अच्छी करते थे, जीन्स और इस तरह जो कि लड़के. फिर भी घर वालों ने ये नहीं कहा कि 3 शादियाँ, 3 बीवियों को छोड़ चुका है, तुम्हें ना छोड़ दे कल को ये वो. नहीं, वो मज़े की बात ये कि मैंने 3 शादियों को उन्हें बताया ही नहीं. नहीं बताया? नहीं, वो तो मैंने 6 साल बाद जाके बताया कि इनकी 3 शादियाँ हुई थी. ये बहुत अच्छा मैसेज है, क्योंकि लोग ना लुक को देख के बड़ा जज करते हैं कि ये मौलवी है. सॉरी टू से, कोई मौलवी होना गुनाह नहीं है. दाढ़ी रखी हुई है, टोपी पहनी हुई है, ये वो. तो आप भी काफ़ी तनकीद का निशाना बनी होंगी कि वो मौलवी साहब हैं आप, क्योंकि फैशनेबल हैं, काफ़ी मॉडर्न ड्रेस करती हैं हर मतलब दिन ना, मतलब पूरा दिन आप सज के सवर के रहती हैं. और वो वैसे भी सुन्नत है अपने हस्बैंड के लिए. तो लोगों की तनकीद से बच गई हैं आप? लोगों ने तो बहुत तनकीद की, लेकिन जो जितनी भी तनकीद करते हैं वो हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हमने रहना एक साथ है. लोग, आपको पता है, अगर आप अच्छा भी करेंगे लोग उसमें भी बुरा ढूंढेंगे, बुरा भी करेंगे लोग उसमें और बुरा ढूंढेंगे. तो मेरा नहीं ख्याल कभी भी लोगों की परवाह करनी चाहिए. आपको खुश रहने के लिए अपने खामद की परवाह करनी चाहिए, अपने बच्चे की करनी चाहिए, अपने घर की करनी चाहिए. किसी दूसरे तीसरे इंसान को अपनी ज़िंदगी में मत लेके आएँ. इसी तरह आपकी जो लाइफ है वो अच्छी. बात, फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था कि किस काम लग गए हो, बीवी को स्क्रीन पर लेके आ रहे हो, वीडियोज़ बना रहे हो, उसके साथ वॉक कर रहे हो, स्लोमो कर रहे हो, ये बाहों में बाहें हैं, फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था?
फैमिली का कुछ बुरा नहीं था, मिक्स ही था, कुछ कह रहे थे ये क्या हो गया और कुछ अप्रिशिएट कर रहे थे, जो तो समझ गए क्योंकि अगर मैं आई भी हूँ तो अपने खामत के साथ आई हूँ, ऐसे बात नहीं कि मैं अकेली आई हूँ। ये बेशक ये बिल्कुल ठीक है, कोई अपने हस्बैंड के साथ कोई भी काम करे, आपको क्या मसला है? आपकी फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था कि खुद को देखो और काम देखो क्या कर रहे हो? बस मिक्स रिस्पॉन्स था, कोई ऐसा नेगेटिव भी नहीं था, कोई ऐसा, बेसिकली वो हर कोई बंदा अपनी सोच के मुताबिक बात करता है। इंटरव्यू ख़त्म करने से पहले आप लोग क्या कहना चाहेंगे लोगों को, कुछ अल्फाज मीठे प्यार भरे कुछ भी? प्यार तो लोग देखना नहीं चाहते। प्यार तो लोग नहीं देखना चाहते, यही बहुत है इनका मैसेज। आमिर साहब आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसी बात नहीं कि लोग सब नहीं, ऐसे नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हेट करते हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत कम लोग हैं। हम लोग वीडियोस पे मिलियंस ऑफ हिट जाते हैं और कुछ थाउजेंड सिर्फ कमेंट्स आते हैं, थाउजेंड्स में भी कोई 15-10% नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, तो ऐसे लोगों को कुछ नहीं कहा जाता, क्योंकि अगर वो ये पूरा बुरखा पहन के भी मेरे साथ वॉक कर रही होती तो फिर भी कमेंट करना था कि मौलवी बड़ा ही ज़ालिम इंसान है, बीवी को दबा मारा है इसने, पता नहीं गला घोंट दिया है, जुल्म कर दिया, बीवी क्या चाहती थी। तो वो जो मर्ज़ी कर लें, जो नेगेटिव बोलने वाले हैं वो बोलते रहेंगे, उसका कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी लोगों की ऐसी है जो लाइक करते हैं। अभी मुझे बार एक मौलाना साहब मिले थे मस्जिद के खतीब हैं, तो मिलके खुशी जाहिर कर रहे थे कि आपकी वजह से जो है हम मुल्ला हज़रात की और इज्जत हो रही है, कि भाई मौलवी सारे ऐसे नहीं होते कि बीवियों को दबा के रखें, ये वो है, सब लोग कहते हैं मौलवी हो तो ऐसा हो। हाँ बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो इनकी लाइफ है इनकी मर्ज़ी है, ऑब्वियसली मेरा फ़र्ज़ है इन्हें बताना कि एयरबट्टा लें कवर करें, लेकिन इनकी मर्ज़ी है, ज़िंदगी इनकी अपनी है, ऑब्वियसली कोई ऐसी बात भी नहीं कि बहुत बेहुदा काम हो गया है, ऐसा नहीं है कि 100% लड़कियाँ जो सब कवर्ड है। आज के दौर में आप सोशल मीडिया पर देखें तो बहुत बेहुदा काम हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ काम नहीं है, आप नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं, तो जो थोड़ी बहुत हर बंदे में गलतियाँ हैं, हर बंदे में कोई ना कोई ऑब्वियसली कमियाँ हैं, अल्लाह करे कि कमियाँ पूरी हों हमारी भी, बस दुआ की जाती है सबके लिए। थैंक यू सो मच जी नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का जो मेरा जोड़ा था जो आसमान से वाकई उतरा है बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि मुझे तो दिल से बहुत ज़्यादा पसंद आया। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए डेली न्यू के साथ रहें, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफ़िज।